आज का टॉपिक, जो टॉपिक आपने लिया है, हु क्रिएटेड गॉड, बस मैं इसके बारे में यही कहूंगा कि गॉड है ही नहीं, गॉड सिर्फ हमारी एक कल्पना है जो भी। ये चैनल का उद्देश्य किस भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(h) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 191A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं, दर्शक कृपया अपने विवेक से काम ले। देवाशीष शर्मा जी, स्वागत है। हेलो ह्यूमन जी, नमस्कार। आपका आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। अर्पित द्विवेदी जी नमस्कार, सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार। आप लोग का जो आज का इशू है, हु क्रिएटेड गॉड, इसके बारे में सिंपल सा आंसर है कि वी ह्यूमंस हैव क्रिएटेड द गॉड। और जिन्होंने भगवान को बनाया है, भगवान एग्जिस्ट करता है सिर्फ उनके माइंड में, एक कल्पना है और कोई प्रूफ नहीं, फिजिकल एविडेंस नहीं है कि फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का। एंड इस कंडीशन को डिल्यूजन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन आप गूगल पे, WHO पे सर्च कर सकते हैं। भाई प्रोफेशन मैं एक सर्जन हूँ, तो मैं आप लोग का हर एक वीडियो देखता हूँ, तो कोई बात आपकी गलत नहीं है। जितने भी यहाँ पे लोग आ रहे थे, सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई एविडेंस किसी के पास नहीं है। बहुत खूबसूरत जवाब है सर आपका। हाँ सर, मैं रैशनलिस्ट हूँ। डेफिनेशन मैं किसी चीज की नहीं जानता, कोई ग्रंथ नहीं पढ़े हैं मैंने, ना पढ़ना चाहूंगा, सब बकवास है। बिल्कुल सर, हम बहुत पैसा और बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन वो काम असल में बर्बादी नहीं हुई, असल में हम अब लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो तरह से वो ये हुआ कि हम जिसे वेस्ट ऑफ टाइम समझ रहे थे। मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी ये लोग ग्रंथों के बारे में बोलते हैं या जो भी आपसे आर्ग्यू करते हैं, तो आप खुद नहीं पढ़ना चाहते तो हमारे पास, हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप बता सकते हैं कि ये यहाँ पे जाके पढ़ लो भाई, उनको जाके पढ़ा दो भाई, ठीक है। खुद से पढ़ने की जरूरत अगर है, यहाँ पे पढ़ जाती है कि अगर कोई आके क्लेम करने लग जाता है तो फिर पढ़ने भी पड़ते हैं, वरना जैसे कि आपका जो प्रोफेशन है, जैसे आप रैशनलिस्ट हैं, तो आप ठीक है, मुझे कचरे की जरूरत नहीं है, अगर आपको इस कचरे में कुछ ज्ञान ढूंढना है तो पढ़ लो, खुद से पढ़ लो जी। अच्छा सर, आपके दर्शकों को, मैं, मेरा कोई चैनल नहीं है यूट्यूब पे, मैं अपना प्रोफेशन ही मेरा सबसे बड़ा धंधा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपका चैनल है उसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं अगर भगवान नहीं है तो दुनिया कैसे चल रही है, तो कुछ पॉइंट्स मैं रखूंगा, बस 5 मिनट का समय चाहिए। कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से दुनिया चल रही है। सबसे पहला, नंबर 1 इज ग्रेविटी, नंबर 2 इज साइंस, नंबर 3 इज बायोलॉजी, नंबर 4 इज इकोलॉजी एंड नंबर 5 इज एवोल्यूशन, जिसको अभी एक भाई साहब नकार के गए हैं, साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, बायोलॉजी इज साइंस एंड एवोल्यूशन इज थ्योरी ऑफ बायोलॉजी, तो इट इज ऑल्सो साइंटिफिक थ्योरी। सर क्या आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल 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 सही कहा सर। और देवाशीष भाई, आप सर, आपने देखा होगा सर, आप सर्जन है, जब कोई डेड होता है तो आपने तो मतलब वो आपने तो वो देखा होगा कि फैमिली वाले कैसे ये, तो अगर ये इंटेलिजेंट डिजाइन है तो वैसा नहीं होना चाहिए था ना सर। मैं जो भी, क्या नाम था, आर्थर जो भी थे, मैं बहुत आपका पूरा ये लाइव पूरा रोज सुनता हूँ, अभी सुन रहा था, मैं जिम करता हूँ, जिम के साथ साथ ईयरफोन लगा के सुनता रहता हूँ, तो जितने लोग डिबेट करने आते हैं अगेंस्ट में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, और जो चीज़, जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उनको सही से पढ़ाई करें, ठीक है। अपना मनगढ़ंत जो बुद्धि लगाते हैं ना ये लोग, अपनी खुद की थ्योरी बना लेते हैं, फिर इंटेलिजेंट लोगों को डिफीट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इनको कंट्रोल करना चाहिए, ये बहुत गलत करते हैं लोग। अब असल में सर, इन डिटेल, इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। असल में सर, अब ना ये धर्म की जो नैया है डूब चुकी है, डूब रही है, और तिनके तलाश कर रहे हैं, अब ये डूबते हैं, ये तिनके के सहारे ले रहे हैं, ये तिनके ढूंढ रहे हैं, और वो हम तिनके तोड़ देंगे, बचे कुछ तिनके भी हम तोड़ देंगे।
क्योंकि मेरा एक सवाल था जी सर आपसे, हाँ सर आप बोलिए बोलिए आप बोलिए। हाँ बस मैं यही कह रहा था कि आज का जो समय है उसमें तिनके नहीं बचेंगे। जी जी आज का टॉपिक जो टॉपिक आपने लिया है हु क्रिएटेड गॉड, बस मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि गॉड है ही नहीं, गॉड सिर्फ हमारी एक कल्पना है, जो भी ग्रंथ बने हैं जिन्होंने बनाए हैं आप, फॉर एग्जांपल रामायण आई डोंट नो किसने लिखा है, फॉर एग्जांपल वाल्मीकि जी ने लिखा है, हो सकता है रामायण वाल्मीकि के पहले भी किसी ने लिखा हो सकता है राम हो सकता है उनका रियल नेम राम ही ना रहा हो सकता है कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने मूवी देखी होगी एवेंजर्स देखी होगी इंग्लिश में, उनके डायरेक्टर एक कोई भी डायरेक्टर ले लो तो वो अगर कोई चीज कहानी लिखता है कोई मूवी लिखता है जैसे असुर आई थी तो वो किस तरह की कल्पना करता है, तो वही कल्पना किसी ने करी होगी, किसी ने अपनी कल्पना को लिख दिया और वही लिखते लिखते ट्रांसलेट होते 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 इतना ज्यादा एडिट हो गया कि अर्थ का अनर्थ हो गया, और एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं रहा होगा, सिर्फ एक कल्पना है, किसी की कल्पना रही होगी वही ट्रांसलेट होते होते सदियों से होते आते आते वो इतना वेरिड हो गई। देवाशीष जी देखिए रामायण हो और ये जो कृष्ण है ये सब कैरेक्टर आपको इससे पहले का जो कल्चर है जैसे बुद्धिज्म है या उससे पहले भी रहे होंगे इस तरह की कहानियां कथाएं दंत कथाएं और ये सब सुनाई जाती रही हैं समाज में। आप आज भी देखे नाना नानी कहानी सुनाते हैं, वो कहानी सुनाते हैं उसमें कुछ सीख भी होती है, ये समाज के अंदर कुछ चीजें रही हैं और फिर वहां से कुछ कैरेक्टर उठा के फिर एक नई कहानी बना दी जाती है, फिर कुछ लोग आते हैं सोचते हैं कि यार अपनी बात को या फिर अपनी अपने स्वार्थ को कैसे स्थापित किया जाए, और जो चीज चलने लगती है जन साधारण के अंदर जो प्रचलित हो जाती है फिर उसका सहारा लेकर फिर उसको विस्तार दिया जाता है। वरना देखिए तो राम कहानी जो है वो 17 पेज में खत्म हो जाती है, वाल्मीकि रामायण जब हम पढ़ते हैं तो पहले जो 17 पेज होते हैं ना उसी में नारद पूरी राम कहानी सुना देते हैं, उसके बाद पूरे ग्रंथ में क्या है, पूरे ग्रंथ में देखे ब्राह्मण ये ब्राह्मण वो, ब्राह्मण के चरणों में इतनी बार नमन किया भगवान ने और ब्राह्मण को इतनी गोएं दान की, इतने स्वर्ण मुद्राएं दान की, तो ये चीजें मेंटली बस जिसके फेवर में है वही इसका फायदा उठाता है, बस 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 वही चीज। और मेरे ख्याल से जो भी लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, पढ़ना बुरी बात नहीं है, पढ़ते हैं तो उसमें नेगेटिव बातें भी हैं पॉजिटिव बातें भी हैं, एक कहानी की तरह पढ़ें, उसमें जो भी उनके चरित्र के बारे में पॉजिटिव लिखा है उसको अपनी जिंदगी में लाएं और जो नेगेटिव लिखा है उसको अपनी जिंदगी से निकालें, उसको कहानी को कहानी की तरह लें और उसको ये मत समझें कि ये वाकई में एग्जिस्टेंस है किसी गॉड की या फिर कोई सुपर नेचुरल पावर हमारे पर रूल कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम तो ये कहते हैं कि अगर आपको नैतिकता की जरूरत है, आपको कुछ सीखने की जरूरत है तो आप धर्म धार्मिक कहानी अतीत की चीजें हैं, ये धार्मिक कथाएं अतीत की चीजें हैं और आज की जरूरतें बदल चुकी हैं, आज की नैतिकता बदल चुकी है, तो आज आपके पास बहुत सारे मतलब जी 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 हाँ, तो आपको जरूरत नहीं है इन धार्मिक कहानियों की, इनका अपना मकसद रहा है, इनका अपना षड्यंत्र रहा है, असल में बहुत सारी कहानियां तो षड्यंत्र के रूप में लिखी गई। जी 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 एक सवाल आपका था कि क्या संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, ऐसे आपने डिबेट में मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था, तो हाँ संस्कृत सबसे पुरानी भाषा नहीं है, मैं ऐसा मेरा ऐसा मानना है क्योंकि भाषा वो जिस लिपि में लिखी बहुत ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज है, वो बहुत रिसेंट की लैंग्वेज है संस्कृत, और संस्कृत से पहले इतनी सारी भाषाएं हो चुकी होंगी क्योंकि साइन लैंग्वेजेस हुआ करती थी वो भी एक भाषा थी, तो उसके भाषा का भी एवोल्यूशन हुआ है ना, जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व हुए हैं से भाषा भी इवॉल्व हुई, तो संस्कृत बहुत लेट आई है, बहुत लेट लैंग्वेज, उसी से तो फिर इवॉल्व होकर हिंदी बनी है, तो कुछ लोग कहते हैं ना कि संस्कृत बहुत पुरानी लैंग्वेज है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, उसी से सारे ग्रंथ लिखे गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा सर, ये असल में संस्कारित भाषा है संस्कृत का, जो हम कहें तो वो संस्कारित है, वो संस्कारित किसी से ना, मतलब किसी भाषा से संस्कारित हुई है ना, तो उससे पहले भी रही है, फिर उससे पहले भी रही है, आज भी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की भाषा कहाँ पढ़ी जाती है। जी जी क्योंकि लोगों ने पढ़ा नहीं है ना, लोग उसके बारे में जानते नहीं है उस लैंग्वेजेस के बारे में, तो जितना वो कूप मंडूक बोलते हैं ऐसे लोगों को, कुएं का मेंढक। बिल्कुल बहुत शुक्रिया सर, ठीक है, थैंक यू सर टाइम देने के लिए, आपसे बात करके अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कीप इट अप, थैंक यू थैंक यू सर आने के लिए, ओके थैंक यू, शुक्रिया सर।